लास्ट वीडियो में सीआई की बेसिक्स के बारे में आप लोगों को बताया गया था तथा कुछ प्रॉब्लम्स भी कराई गई थी, और इसके साथ ही उसमें एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको बताया गया था। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल अननोन टू नोन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जब तक आप बेसिक यानी पहले वीडियो नहीं देखेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो जो आते हैं बाद वाले उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा एसआई और सीआई के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उसको देखें। अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं इसको सीआई को। जैसे क्वेश्चन आता है इसमें ₹8,000 या 8,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्रधन ज्ञात करो या क्या होगा, ये क्वेश्चन है मान लीजिए आपका, ठीक है। इसमें अमाउंट की जो दिया गया है 8,000 रुपये है और टाइम दिया गया है 10 इयर्स 10 वर्ष 10% ये रेट दिया है और टाइम दिया है 3 इयर्स 3 वर्ष। तो आपको बताया गया था जो इसका बेसिक फार्मूला होता है इक्वल टू P1+R/100 n, उससे निकालते हैं तो पहले हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन आता है और फिर उससे जब हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमें सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है। बट मैंने एक इसको बताया गया टिक से कैसे कर सकते हैं, जैसे 3 ईयर का है तो आपको करना क्या है, ये प्रिंसिपल लिखा है एसआई के जैसे आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देखना है। 8,000 है, 3 इयर्स है, ठीक, और टाइम है 10%। तो हम क्या करते हैं, जैसे 10, लास्ट वीडियो मैंने 2 वर्ष का बताया था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक बार में कैसे निकालते हो आप, जिसमें कि आपको अमाउंट ना पता करना पड़े। तो पहले मैंने बताया था 10+10 तो ये हो गया आपका, और इसके बाद 10 × 10/100 या आप 100/100 में कर लें या एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दें। अगर आप 100/100 ना करें, कोई भी नंबर हो कोई भी रेट दिया हो, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 1 × 1 1, तो ये हो गया पूरा 21। यानी जो ये दिया है 8,000 या 8,000 रुपये, इसका डायरेक्ट अगर आप 21% या 21% निकाल दोगे तो ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका डायरेक्ट निकल आएगा, आपको मिश्रधन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर अब ये 3 साल का निकालना है तो 2 साल का ही हो गया, अब इसमें फिर 10+ कर देंगे 3रे वर्ष का, और अभी मैंने बताया था कि ये इंटू कर लें 21 × 10/100 कर लें या एक डिजिट पर यहीं पर पॉइंट लगा लें, तो ये कितना हो जाएगा 31 और ये कितना हो जाएगा 2.1, तो ये हो गया आपका 33.1%। अब इसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आप 33.1/100, 100 क्योंकि परसेंट है, इतना आप कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 भी खत्म हो जाएगा, ठीक, इतना करना है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये 2648 आ जाएगा रुपीज, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, कैरी 2 और ये 24 × 2 = 26, ये आ गया आपका सीआई। इसमें आपका कोई जो आप अमाउंट का फार्मूला यूज़ करते हो इक्वल टू P1+R/100 उसका यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो यूज़ करते हो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऐसे आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सीआई या इंटरेस्ट। अब अगर आपको पता करना है कि मिश्रधन पता करो अमाउंट पता करो,
तो वो कैसे पता करते हैं, इसके लिए तो आपको पता ही, a इक्वल टू p प्लस आई या सी आई कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट हो सी आई एस आई जो भी है वो प्रिंसिपल में प्लस करके ही अमाउंट आता है। ये सी आई का क्वेश्चन है तो जो इसको आप सी आई बोलोगे, इसको 8000 में प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 10648। ठीक है, ये इसका टिक द्वारा आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन में दोनों चीज़ें नहीं पूछी जाती, मैंने आपको बता दी है दोनों पता करना है। इसलिए सी आई पता करना है तो आप जो इसका प्रॉपर फार्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उससे आप पहले अमाउंट पता करते हो, अमाउंट के बाद प्रिंसिपल माइनस करते हो, तब सी आई आता है। इसमें डायरेक्ट आप सी आई पता कर पाओगे। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन ₹25,000 पर एका 10% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्षों का सी आई व एस आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा या क्या होगा, ये पता करना है आपको। ठीक, प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर। ये तीनों दोनों के लिए सेम चीज़ है, दोनों के लिए प्रिंसिपल भी यही है, रेट और टाइम भी बराबर है। अब ये बताना है कि इनका जो सी आई और एस आई आएगा उसका अंतर कितना होगा। देखिए दो ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसके बारे में बेहतरीन सी। जैसे ये लिखा है आपका ₹25,000, 10% जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, दर बटे 100 करते हैं और समय लिखते हैं। तो पहले आप 1 ईयर का निकाल लें। क्यों 1 ईयर का क्यों निकाल लें, क्योंकि आपको मैंने जो सी आई का पहला वीडियो था उसमें बताया था कि अगर प्रिंसिपल रेट टाइम दोनों सेम है तो 1 ईयर का सी आई और एस आई हमेशा इक्वल होता है। तो 1 ईयर का आपने निकाला है तो कितना आ गया, इसको सॉल्व किया ये हो गया ₹2,500। ठीक, 2,500 हो गया। अब ये 1 साल का ₹2,500 एस आई भी होगा सी आई भी होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने बताया था कि ये जो इंटरेस्ट है या सी आई है या एस आई है पहले साल का, वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, तब सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाता है सी आई के केस में। तो आप क्या करें, इसका आप 10% निकाल दें, जितना पहले ईयर का एस आई या सी आई था और जो भी रेट दिया है उसका उतने ही परसेंट निकाल दें, तो जो भी आएगा आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 250 आ गया, मतलब यही आपका आंसर हो गया। अगर ₹25,000 का 10% का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्र ब्याज का अंतर पूछा जाए तो आपको ये निकल आया। अब इसको अगर आप अपने तरीके से निकालना सोच रहे हो कि पहले हम एस आई पता करेंगे 2 साल का, फिर 2 साल का सी आई पता करेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप इसको इस तरह से आसानी से पता कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको ऐसे बताया था कि 2 वर्ष का सी आई अगर 10% से है, तो हमने बताया था अभी 10, ये तो आपका एक मेथड हो गया। दूसरी जगह आप ऐसे कर सकते हैं 10 + 10 × 10 × 10/100 या एक पर आप पॉइंट लगा दिया तो कितना हो गया 21%। ये हो गया सी आई के लिए परसेंटेज 2 वर्ष का कंबाइंड, और एस आई कित के लिए क्या हो जाएगा 10 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ये सी आई का है के लिए हो जाएगा कंबाइंड, और ये एस आई के लिए 20, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस तो अब जब हम 21 - 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1%। और इस 1% जो है, जो प्रिंसिपल था आपका, उसका आप 1% निकाल दीजिए, 1% मतलब 100, तो कितना आ गया 2 जीरो कैंसिल हो गया, 250 रुपीज़ ए बी आ गया। ठीक है, देख रहे दोनों केस में आपके आप जो भी
आपको ज़्यादा आसान और ठीक लगे उसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन करते समय। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि चार वर्षों में रुपीज 2880 और 5 वर्षों में रुपये 3024 हो जाती है। ब्याज की दर बतानी है आपको, ब्याज की दर क्या होगी या कितनी होगी ये बताना है। इसमें चक्रवृद्ध ब्याज अप्लाई हो रहा है और कितना प्रिंसिपल है या हमारा मूलधन क्या ये नहीं पता है। बस ये बताया गया कि जो भी मूलधन है वो 4 वर्षों में उस पर जो अमाउंट होता है वो 2880 या 2880 और 5 वर्षों में 3024 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखते हैं हम करते क्या है, ये देख लेते हैं डिफरेंस पहले टाइम का। यहाँ पर 4 वर्ष है, यहाँ पर 5 वर्ष, तो 5 माइनस 4 किया 1 ईयर आ गया डिफरेंस। और जो ये आपका दिया है राशि, ये 2880 है, 3424, तो 3024 माइनस इनको भी कर लेते हैं। जो भी ये आपके हो सकता है सीआई दिए हों या अमाउंट दिए हों, इनको माइनस ही करना है ओवरऑल, तो ये आ जाएगा 144, ये हो गया रुपीज। ठीक, अब हमें पता क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। तो क्या करना है हमें, जो ये 1 वर्ष का इंटरेस्ट हो गया जाके आपका, ये 4 वर्षों का था, ये 5 वर्षों का, तो 5 वर्ष में से जो हमने 4 वर्ष का माइनस किया तो 1 वर्ष का जो भी सीआई है वो आ गया, तो ये है कितना 144। अब ये 1 ईयर में इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, जो 4 ईयर का आपका अमाउंट था इतना। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि हमें रेट पता करना है, तो 1 0 तो आपका इससे कैंसिल हो गया, ये 1 जा और ये 2 जा। अब 2 से आप 5, 10 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5%, तो ये इसका उत्तर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 4 वर्षों में रुपये 2880 और 5 वर्षों में रुपये 3024 हो जाती है, तो ब्याज की दर पता करनी है। क्या करना है, समय को माइनस कर लेना है, इसके बाद जो राशि है उसको माइनस कर लेना है, जो डिफरेंस का आता है आपका वो अपान जो कम वाला अमाउंट है आपका वो अपान में इंटू 100 कर देंगे, आपका रेट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो रहा, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे होंगे कि 4 वर्ष है और ये 5 वर्ष है, 1 वर्ष का अंतर है, तब तो आपने सीधा कर दिया। अगर 1 से ज़्यादा वर्ष का अंतर होगा तो उसमें फिर आपको एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे दिया है चक्रवृद्धि, वैसी तरह का क्वेश्चन है, बस टाइम बदल दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई
कोई धनराशि आठ वर्षों में रुपये 2800 व 10 वर्षों में रुपये 3388 हो जाती है। ब्याज की दर इसमें भी पूछा गया, ब्याज की दर पता करनी है आपको। सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है यहाँ पर, उसमें जो समय का अंतर था 1 वर्ष का था, इसमें 8 वर्ष और 10 वर्ष, 2 वर्ष का अंतर हो गया। तो पहले तो हम जैसे 1 वर्ष का आपको बताया गया था वैसे निकालते हैं, इनको हम माइनस करेंगे। 3388 माइनस 2800 रुपीज़, आ जाएगा 588 रुपीज़, इतना आ गया। ठीक है, अब हमें अगर ये 1 ईयर का होता तो कैसे किया था अभी हमने, 588 अपान छोटा अमाउंट जो भी है ये 2800 और इनटू 100 से ये 00 कैंसिल हो गया, तो 28 से हम 588 को करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 21%। अगर ये 1 ईयर का होता तो आपका 1 ईयर का क्या होता, 1 ईयर का डिफरेंस अगर होता जैसे 8 वर्ष और 9 वर्ष का दिया होता तब तो यही आंसर हो जाता। अब ये 2 का है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 का है तो इसको पहले तो आप 2 से डिवाइड करो तो 10.5 आएगा, तो यानी ये तो निश्चित है कि 21 है तो 10 के ही उसमें रेट होगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि अभी जैसे मैंने पीछे बताया था x प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 21। मैंने बताया था जब 10 का लिया था कि ये 10 प्लस 10 और 10 इंटू 10 अपॉन 100, यही तो बताया गया था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई है, अपोजिट हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा x आएगा तो वो आएगा 10 ही, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 21। या आप इसको ऐसे सेटिस्फाई करा दें 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100, देखिए 1 आ गया यानी x 10 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2100। ठीक है, अब इसको हम जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 210x माइनस 10x माइनस 2100 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे x प्लस 210, माइनस 10 कॉमन लेंगे x प्लस 210, तो x माइनस 10 और x प्लस 210, तो ये तो निगेटिव में आ जाएगा तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा आपका, ये रेट हो जाएगा। या इसको आप इस तरह से इसमें सेटिस्फाई करा दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 ईयर के डिफरेंस और 2 ईयर या 1 से अधिक ईयर का जब डिफरेंस हो तब करेंगे, अदरवाइज आपका ये डिवाइड करने पाएगा वही आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है, ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि पांच वर्ष में तीन गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में
कितने वर्षों में वही राशि 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए यहां पर समय दिया 5 वर्ष, 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। अब पूछा गया कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, यानी समय पता करना है। तो ये गुना गुना जो लिखा है, ये 3 गुना, ये 9 गुना, तो यहाँ लिख ले 3, यहाँ लिख ले 9। अब इसको इसके बेस के हिसाब से अगर हम लिखना चाहेंगे 9 को, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2। बस इतना करना है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही राशि 9 गुना हो जाएगी। तो 9 को क्या किया, 3 के बेस के रूप में लिख लिया, क्योंकि 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पहले 3 गुना था, उसी के बेस में लिखना है। और क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। अभी कितने वर्षों में 3 गुना हो रही थी, 5 में। अब 9 गुना के लिए पूछा गया है, तो ये 3 तो आपका था, 3 यहाँ भी आ गया। अब जो इसकी ये पावर है, पावर क्या है, 2, तो इससे आपको बस इसका गुणा कर देना है, जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, वो 10 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। बहुत से आसान सा है, ध्यान रखिए कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, 4 गुना है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, तो 16 को 4 की पावर 2 लिख लेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका उल्टा, जैसे इसमें समय दिया था और 2 बार गुना दिया था, एक समय पूछा गया था, अब 2 समय अगर आ जाए और पूछा जाए कितने गुना हो जाएगी, जैसे कोई यही क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन राशि 4 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि 12 वर्षों में 12 गुना हो जाएगी, ये पूछा गया है ना। उसका उल्टा देखो, यहाँ 4 वर्ष दिया और 12 वर्ष दिया, इसमें बस 1 गुना पता है, 4 गुना हो जाती है, अब कितने गुना हो जाएगी ये पता करना है। तो 4 और 12, और ये कितने गुना दिया गया, दिया गया 4 गुना। तो अभी देखो, जब हमने समय पता किया था तो गुने, अगर यहाँ गुना दिया होता तो इसको हम इसकी पावर में लिखते। अब यहाँ पर दोनों समय दिए, गुना आपको पता करना है, तो इसको इसके प्रोडक्ट के रूप में पता करेंगे। तो 12 को क्या लिखेंगे हम, 4 × 3, वहाँ पर हमने इसको पावर के रूप में लिखा था, पावर से बाद में मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा, वो भी 12 को 4 के मल्टीपल के रूप में, 4 × 3 हो गया। तो यहाँ पर पावर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो पावर में लगा देना है आपको, तो 4 की पावर 3 यानी 64 या 64 गुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 4 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 12 वर्ष में वो कितने गुना हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 64। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं। एसआई का एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था, उसमें
छूट सा गया था, तो देखते हैं जैसे रुपीज 8,000 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यहां पे ए लिख दीजिए, ए रुपीज 8,000 का कर्ज 12% स्वयं ब्याज से उधार लेता है, तथा बी जो बी है वो रुपये 910 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्षों में दोनों का कर्ज समान हो जाएगा या बराबर हो जाएगा? ए ने 8,000 रुपए लिए और रेट कितना है 12% का। बी ने 910 रुपए लिए, यानी इसने लिए थे 800 रुपए और इसने लिए 910, ठीक है, और इसने लिए हैं आपके 910 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिए। अभी पूछा गया कि कितने वर्षों बाद दोनों को का जो कर्ज होगा बराबर हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। ए ने लिए 800 रुपए, बी ने लिए 910 रुपए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 910 माइनस 800 बराबर 110 रुपीस, ठीक, इतना डिफरेंस। एक तो ये चीज कर लिया, इसके बाद हम करेंगे क्या, इसका 12% निकालेंगे, 800 इंटू 12%, 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 96, और दूसरे का 910 का हम निकालेंगे 10%, 0 कैंसिल, ये हो गया 91, इधर 96 रुपीज आया और इधर 91 रुपीज आया, यानी वन ईयर में ये 96 रुपए एज ए इंटरेस्ट या ब्याज के रूप में पे कर रहा है और दूसरा 91 रुपीज पे कर रहा है, तो ये कितने ज़्यादा कर रहा है। इसको ये ज़्यादा करेगा तभी तो आगे चल के बराबर हो पाएगा, क्योंकि इसने का जो प्रिंसिपल है या डेप्थ है, जो कर्ज है वो कम है, तो इसको इंटरेस्ट जब ज़्यादा जाएगा तभी आगे चल के वो बराबर बराबर उनका जो कर्ज हो पाएगा। तो इसको माइनस कर लें हम, तो 96 माइनस 91 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 रुपीज। अब हमें पूछना क्या है, कितने समय में ये 5 रुपीज जो डिफरेंस आया है वो कितने समय का आया है, 1 ईयर का, क्योंकि दोनों का 1 ईयर का हमने इंटरेस्ट निकाला है, तो दोनों के 1 ईयर का डिफरेंस है 5। अब कितने वर्षों में इक्वल हो जाएगा, तो टोटल हमें डिफरेंस जो है अमाउंट का या प्रिंसिपल का वो कितना 110, और इन दोनों का डिफरेंस जब 110 हो जाएगा तभी जो कर्ज है हमारा बराबर हो पाएगा। तो करना क्या, जो ये 110 है और जो 1 ईयर का डिफरेंस आया उससे डिवाइड कर देना है, 110 अपॉन 5 इक्वल टू 22 ईयर्स। तो मतलब ये हो गया कि 800 रुपये 12% दर साधारण ब्याज की दर से और 910 रुपए को 10% साधारण ब्याज की दर से अगर कर्ज के रूप में उधार लिया है तो 22 वर्षों बाद दोनों केस में बराबर बराबर कर्ज देकर अदा करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, समझ में आएंगी। धन्यवाद।